Hello student, good morning. Today I am going to teach you how to make such type of sentences. Use of may have, might have. May have और might have का use हम कहाँ करते हैं और उससे हम किस तरह के sentences को बनाते हैं आज मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ. देखिए may have और माइट हैव का यूज जब किया जाता है तो कोई क्रिया हो चुकी है या संभावना दर्शाने के लिए ऐसे शब्दों को लिया जाता है. यानी ऐसा हो गया होगा, हम बैठ के इमेजिनेशन करते हैं कि मान लीजिए मुझे ट्रेन पकड़नी है 2 बजे की, तो कोई मेरे साथ का मेरा फैमिली मेंबर गया है, तो हम यहाँ बैठ के उसको इमेजिन करते हैं कि अब उन्होंने ट्रेन पकड़ ली होगी, ठीक है. या हम किसी बस से जाते हैं और हम 7:30 पे जा रहे हैं और 8:30 हो गया या 7:45 हो गया, तो हम कहेंगे बस तो निकल गई होगी. तो यहाँ पर वही उस टाइप के सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो कोई भी क्रिया जब हो चुकी है, जो हो चुकी होती है उसकी संभावना होती है कि ऐसा हो गया होगा. बस अपने प्रॉपर टाइम पे आई है और हम लेट हैं, तो इट मींस वो काम तो हो ही गया होगा. स्कूल की टाइमिंग जो है वो टाइम ओवर हो गया, 5 मिनट भी ओवर हो गया, तो हम कहेंगे गेट बंद हो गया होगा. तो वहीं पे ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, मे हैव और माइट हैव. लेकिन इसके साथ में हमें कौन सी वर्ब का यूज करना है, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है. सब्जेक्ट मे हैव और माइट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब हम सेंटेंस के थ्रू देखते हैं इसको. मेरी किताब किसने चुराई होगी, हमें पता नहीं है तो हमारी किताब चुर गई है, तो हम ये केवल कर रहे हैं किसने चुराई होगी. तो किसने की अंग्रेजी यहां पर क्या होगी, हु. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हु माइट हैव चुराने की, स्टील इसकी, स्टोलन माई बुक, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क का भी यूज करना होगा. हु माइट हैव स्टोलन माई बुक, मेरी किताब किसने चुराई होगी. अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, मेरी किताब तुमने फाड़ी होगी. तो यहां पर किसने फाड़ी, आपका सब्जेक्ट है तुम, तो यहां पर होगा यू माइट हैव टोर्न माई बुक, मेरी किताब तुमने फाड़ी होगी, वह तुम्हें भूल चुका होगा, ठीक है. तो वह यहां पर कौन है, He might have forgotten you. बस might have लेफ्ट. तो देखिए ये सेंटेंस आपके सामने बन गए हैं. तो यहां पर हमने सब्जेक्ट लिया, माइट हैव का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. इसी तरह ये सारे सेंटेंसेस हैं कि कोई भी काम जो हो चुका होता है, यहाँ पर कोई क्रिया जो हो जाती है उसकी हम संभावना करते हैं, तो हमें इस तरह के सेंटेंसेस को इस तरह से बनाना होगा कि ऐसा तो हो गया होगा. तो आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए मे हैव या माइट हैव का यूज करना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है. उम्मीद है इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने आ जाएंगे. इस तरह के और सेंटेंस आप अपने आप बनाइए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. थैंक यू.